हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स मेजरमेंट्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे कि हमने ये पूरा चैप्टर अभी कवर किया है, इसके वन बाय वन टॉपिक्स को कवर किया है, अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसमें पहले शॉर्ट क्वेश्चंस है, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस है, और फिर हम इसके देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो पहले आज हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, मैं इधर पढ़ता हूँ। नेम दी सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है, अब मैं इधर लिखूंगा रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। अब आपने कुछ ऐसे फिनोमिनास बताने हैं जो टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज हो सके। याद करो, स्टैंडर्ड हमने कहा था कि स्टैंडर्ड कैसी चीज होती है जो चेंज नहीं होती, इजिली एक्सेसिबल भी होती है और इनवेरिएबल भी होती है। लेकिन हमने किसका स्टैंडर्ड हम चूज करने हैं इधर, टाइम का। तो हमने ऐसी चीजें देखनी है जो कुदरती तौर पर चेंज नहीं हो रही। क्या चीज चेंज नहीं हो रही, क्या हो रही है? रोटेशन ऑफ अर्थ। ये क्या है? उसने कहा सर ये चेंज नहीं हो रही। मैंने कहा नहीं, रोटेशन ऑफ अर्थ कितना टाइम लगता है भाई, 24 आवर्स। फिर ये रोटेशन है अर्थ की स्पिन वाली, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कितना टाइम लगता है, 365 दिन, ठीक है, 365 डेज। फिर वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स, मोशन ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल, ठीक है। फिर हम और ले दे, इसकी जगह ले लेते हैं जैसे कि रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, ठीक है। तो ये बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और दूसरा टाइम स्टैंडर्ड है क्योंकि ये चेंज भी नहीं हो रही। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई आए तो आप कमेंट में भी बताएं और वो भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड, ठीक है। ड्रॉबैक्स फॉर drawbacks to use period of simple pendulum। भाई हम इनको तो यूज कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड, इसको क्यों नहीं टाइम स्टैंडर्ड यूज कर सकते? इसका फार्मूला देखते हैं जी, वो था t इज इक्वल टू 2πL/g, वेयर l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं कि हम इसे यूज क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, इसको इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो जी है, जी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट विद हाइट। हाइट के साथ जी कॉन्स्टेंट नहीं रहता, जी ऊपर जाते जाते क्या होता है, कम। तो जी कम होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा, फिर टेम्परेचर इफेक्ट ऑन लेंथ। आपको पता है टेम्परेचर के चेंज होने से ज्यादा होगा चीजें फैलती हैं, कम होगा सुकड़ती हैं। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी, कम होगा तो कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर इफेक्ट से लेंथ चेंज होगी जिससे टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। और एक और लिख देते हैं जी इधर, एयर रेजिस्टेंस। आपको ये भी पता है कि एयर रेजिस्टेंस किसी जगह पर ज्यादा हुई, किसी जगह पर कम हुई, तो पेंडोलम ज्यादा भी मूव कर सकता है, हवा की वजह से कम स्लो भी हो सकता है, तो तब भी टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। इसलिए हम इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, ठीक है जी। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, व्हाई डू फाइंड इट टू यूज इट यूजफुल टू हैव 2 units फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किलोग्राम एंड मोर। 2 units फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 2 units, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किलोग्राम
एंड मोल। हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि भाई जो मेरे पास कोई भी चीज़ है इसका कितना मास है, इसके लिए हम दो यूनिट क्यों यूज़ करते हैं, किलोग्राम और मोल। अच्छा, इसके अब मैं आपको सादा सा एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको समझते हैं फिर हम इधर मेन टॉपिक को देखते हैं। अगर आप बाज़ार गए तो आप बाज़ार गए, आपने कहा यार मुझे 5 किलो सेब दे दो, ठीक है, उसने कहा ठीक है, तो आप एज आ होल जब बात कर रहे हो तो आप केजी में बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि भाई ये जो एक सेब है या 1 किलो में 10 सेब आते हैं, तो आपने जाकर सीधा कह दिया यार मुझे 50 सेब दे दो, तो उसको पता है कि 1 किलो में 10 आते हैं, 50 मतलब 5 किलो बनेगा। लेकिन जब आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, है दोनों ही क्वांटिटी, जब पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो आप दूसरा यूनिट यूज़ करोगे मोल। लेकिन अगर हम छोटे लेवल की बात करें जो कि हमारा यानी कि साइंटिफिक लेवल है, उसके अंदर अगर हम एज अ होल देखें, ठीक है, एज अ होल अमाउंट क्वांटिटी, तो देन वी यूज केजी किलोग्राम, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स के लिहाज से हम देखें, देन वी यूज के भाई कितने पार्टिकल, देन वी यूज मोल, ठीक है, और 1 मोल कितने के बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के, एवोगैड्रो होता है 6.02 × 10³ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। दी तीन स्टूडेंट ने 3 लेंथ मेजर किए हैं, 0.2145, एक लेंथ हमारे पास है जी 0.2145 मीटर, उसके बाद है 0.21, दूसरी है दी 0.21 मीटर, एंड दी थर्ड वन इज 0.214 मीटर, ठीक है, ये उसने यूज़ की। और आगे देखें, आगे पढ़ें, ऑन अ स्केल विच द मिनिमम डिवीजन इज 1 mm एंड रिकॉर्डेड एज, विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई, ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम लेवल है, जो मेजरिंग लेवल है, जिसको हम अपनी जबान में लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब ये बनेगा 1 × 10³ - 3 मीटर, इनके 0.001 मीटर, यही बनेगा ये, इसको जब मैं 10³ को इसमें कन्वर्ट करूँगा तो 0.001 मीटर। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सी लेंथ एक्यूरेटली मेजर हुई है, मुझे पता है कि ये लेंथ गलत है, उसकी वजह यह है कि ये बंदा पॉइंट के बाद 3 तक जा सकता है, लेकिन ये बंदा पॉइंट के बाद 4 तक गया हुआ है, इसका मतलब है कि चौथी तो उसने ज्यूम किया, तो ये तो 100% श्योरिटी है कि तो गलत है, ये वाली मेजरमेंट इससे नहीं की गई, इससे पिछले इंस्ट्रूमेंट से की गई है, ठीक है, यानी कि इससे जो कम प्रिसीजन तक जा रहा था, लेकिन चूंकि इससे करनी है तो हम आगे वाला डॉट पॉइंट लेंगे, आगे वाला उसने स्किप कर दिया इसका पॉइंट, हाँ तो ये मेजरमेंट भी गलत हो गया। लेकिन ये देखिए 3 और 3, तो इसका मतलब है ये मेजरमेंट इन दो बाकी दो में से ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है, क्योंकि ये लास्ट डिवीजन तक भी जा रही है, तो इसका मतलब है कि 0.214 मेजरमेंट ठीक है। रीज़न लीस्ट काउंट, कि जितना लीस्ट काउंट होगा वहाँ तक वो मेजरमेंट जाएगी, ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, एक कहावत है, एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली स्ट्रॉन्ग एज इट इट्स वीकेस्ट लिंक, वट एनालोगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज इन कंप्यूटेशन, ठीक है। A chain is only as strong as its weakest link। तो अब आपने बताना है कि एक चेन कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, मतलब कि इसका हमारे जो एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक वर्ड है इसके साथ इसका क्या ताल्लुक बन सकता है। इसमें यह है कि आपने अगर चेन देखी हो ना, वो चेन कुछ यूं बनी होती है, चैन खो गया है कुछ तो हो गया है, ठीक है, वो वाला गाना। आपने ये चेन देखी होगी, इस चेन के अंदर ना ऐसे जॉइंट्स होते हैं कुछ, आपको मैं दिखाता हूँ इस तरह करके। अब ये चेन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब ये जो जॉइंट है ये वाला पॉइंट ये स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ये वीक हुआ ये खुल गया तो चेन फौरी टूट जाएगी ये सारी। अब इसका हमारे इधर फिजिक्स से क्या ताल्लुक है, ताल्लुक वास्ता, ठीक है,
इससे ये है कि ये जो आपकी चेन है इसके अंदर हमारी फिजिक्स में कंप्यूटेशनल डाटा में तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। क्या होता है? डाटा यानी कि मेजरमेंट्स, ठीक है, उसके बाद इसका रिजल्ट और एक्यूरेसी, ठीक है, कि हमने डाटा किया फिर रिजल्ट निकाला और फिर इसकी एक्यूरेसी चेक की। अब इसमें हमारे क्या है कि हमारी चेन यानी कि जो रिजल्ट है इतना ही अच्छा होगा, इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हमने कोई भी किया है उसके एक्यूरेसी या उसका रिजल्ट इतना ही अच्छा होगा जितना कि अच्छा उसका वीकेस्ट लिंक होगा। ये वीकेस्ट लिंक क्या है? ये वो मेजरमेंट होगी जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। समझ आ रही? कि अगर वो लीस्ट काउंट कम वाली मेजरमेंट भी अच्छी कैलकुलेट हुई हुई है, यानी कि उसके जो कम एक्यूरेट मेजरमेंट है वो काफ़ी अच्छी हमने मतलब कैलकुलेट की हुई है, तो हमारी जो लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का आंसर भी उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। मीन्स कि इसको मैं इधर लिखूँगा, इधर लिखता हूँ इसको, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज ओनली एज गुड एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग, यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट है वो इतना ही अच्छा होगा एज गुड एज इट्स लीस्ट, जो सबसे कम जो मेजरमेंट है उसके अंदर जो रीडिंग है वो जितनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी उतनी ही अच्छी हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉपवॉच। हमने कहा ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। ठीक है, पीरियड ऑफ स्टॉपवॉच हम इधर नाम ले लेते हैं इसको, पीरियड ऑफ स्टॉपवॉच, ठीक है, इनटू एरर्स बताएंगे। ठीक है, तो अब स्टॉपवॉच के पीरियड को जब हम मेजर करें, हमें पता है कि दो किस्म के एरर थे। एक हमारे पास था सिस्टमैटिक और दूसरा था रैंडम वाला। तो कौन कौन से? दोनों हो सकते हैं। हमने कभी वो क्यों, दोनों क्यों होंगे? उसने कहा सर ये भी तो हो सकता है आपके स्टॉपवॉच ही गलत हो, जिस बंदे ने आपको स्टॉपवॉच दिया वो स्टॉपवॉच के अंदर सिस्टमेटिक एरर हो, वो जीरो से चलती ना, वो वन सेकंड से चलती हो। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर रैंडम क्यों? उसने कहा सर रैंडम एरर तो किसी भी वजह से आ सकता है, मे बी जो बंदा मेजरमेंट कर रहा है वो उसको सही नज़र नहीं आता, उसको एक्सपेरिमेंट पता ही नहीं लगता कि कब रोकनी है कब नहीं, यानी कि इनएक्सपीरियंस बंदा है, या कुदरती वेरिएशन हो रही है किसके अंदर, आपकी स्टॉपवॉच की कैलकुलेशन में। तो दोनों किस्म के एरर आ सकते हैं, यानी कि रैंडम एरर में हमें कोर एरर डाल सकते हैं, अभी पर्सनल एरर बंदे के अपने जाती एरर की वजह से भी क्या हो रहा है उसके अंदर घपले आ रहे हैं रिजल्ट में, तो ये दोनों किस्म के एरर एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके रिजल्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। डज अ डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इसको कि हमारे पास डज डायमेंशन एनालिसिस गिव्स इंफॉर्मेशन, ठीक, इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टेंट। क्या कॉन्स्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस को इंफॉर्मेशन देता है? नहीं देता भाई, कभी भी नहीं देगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा सर ये डायमेंशन एनालिसिस लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन। मैंने कहा वो क्या है? उसने कहा सर लेफ्ट साइड के डायमेंशन मीन लेफ्ट साइड की फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू राइट साइड की, सॉरी फिजिकल कह रहा हूँ, बेस क्वांटिटीज और राइट साइड की बेस क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मैंने कहा फिर कॉन्स्टेंट के बारे में क्यों नहीं देगा? क्योंकि कॉन्स्टेंट इज अ नंबर एंड नंबर डज नॉट हैव डायमेंशन।
तो अब जब हम काम डायमेंशन का कर रहे हैं तो हम उस चीज को तो देखेंगे ही नहीं जिसके डायमेंशन नहीं है, तो कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो जब डायमेंशन नहीं होंगे तो हम उसको कैलकुलेट भी इधर से नहीं कर सकते। इसका मतलब है डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कांस्टेंट एग्जिस्ट इन योर इक्वेशन। तो लास्ट टाइम आपको याद है एक फार्मूला बना था टी इज इक्वल टू 2πL/g, बट हमने ये 2π नहीं लिखा था, हमने इसकी जगह लिखा था कांस्टेंट। याद है वो लास्ट हमने जो टॉपिक के अंदर वो एग्जाम्पल की थी, तो कांस्टेंट लिखा था। उसकी वजह ये थी कि कांस्टेंट ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको कि इधर कांस्टेंट की क्या वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है और नंबर के डायमेंशन होते ही नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कैलकुलेट दी या व्हाट आर दी डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। सबसे पहले प्रेशर के देख लेते हैं, देन डेंसिटी। प्रेशर आपके पास होता है ये पार्ट, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स ML(t-2), एरिया होता है L2, ठीक है। तो ये बन जाएंगे ML-1, t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अदर इज डेंसिटी, डेंसिटी होती है M/V, तो डेंसिटी M की जगह कैपिटल M, वॉल्यूम, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, लंबाई के L, चौड़ाई के L, ऊंचाई के L, L into L क्या बन गया L³। तो ML-3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है, MCQ टाइप समझ लो इसे। द वेव लेंथ डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। नो डैट लैम्डा इज इक्वल टू L, v इज इक्वल टू L(t-1) एंड f इज इक्वल टू -t। लैम्डा के जो डायमेंशन है वो बुक हमें बता रही है L, उसके बाद वेलोसिटी के हमें बता रही है L(t-1) है, और फ्रीक्वेंसी के बता रही है हमें t-1 है, ठीक है। अब आपने वो क्वेश्चन बतानी है, ये क्वेश्चन ए हमें उसने दिया है, f इज इक्वल टू v लैम्डा एंड अदर इक्वेशन इज f इज इक्वल टू v/λ। तो आपने बताना कौन सी क्वेश्चन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। लेफ्ट साइड का डायमेंशन बराबर आने चाहिए राइट साइड के, तो लेफ्ट साइड पे ये है तो ये आ जाएगा -1, वी के हमने क्या लिखे हैं L(t-1) और लैम्डा के L, तो क्या बना L²(t-1)। क्या ये और ये सेम है? नहीं सेम, तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब इधर आ जाए, एफ के क्या है L(t-1), वी के क्या है L(t-1) ओवर लैम्डा के क्या है L। आपको पता है L ऊपर जाकर इससे कटेगा तो L की पावर हो जाएगी 0-1। किस चीज़ की पावर 0 वो 1, तो क्या बचा T-1। क्या ये और ये सेम है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन ठीक है। तो ये थे आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।